स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर टू. बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे. रीड करो अपने अपने बुक में. क्या है क्वेश्चन नंबर टू? राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. और ये जो नंबर नेम दिया है फर्स्ट वाला, वो मैंने यहाँ राइट करके लिखा है. अब इसके लिए हमें न्यूमरल्स लिखना है. ठीक, रीड करिए. 4 मिलियन. ओके, मिलियन प्लेस पे 4 है. स्टार्ट करिए राइटिंग. मिलियन के बाद कॉमा आता है. ठीक, देन 223,000. 223,000 कॉमा आएगा 646. ये हमने इसका न्यूमरल लिख लिया है. अब हम देखते हैं सेकंड. इट्स वेरी सिंपल. व्हाट इज इट? अब सेकंड में दिया है 70 मिलियन. बस 70 मिलियन, इसके आगे हमें कुछ दिया नहीं है, तो हमें कैसे, अब आपको क्या याद रखोगे कि इसके बाद कितने जीरोस लगाना है? नहीं, वेरी सिंपल है. देखो, 70 मिलियन प्लेस पे हमने 70 लिख लिया. इसके बाद क्या आता है? यहाँ आती है, कौन सी प्लेस होती है? 100,000, 10,000, 1,000 और उसके बाद 100 प्लेस, देन 10th प्लेस और ये 1th प्लेस. ये हमने इजीली लिख लिया 70 मिलियन. कोई ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं कि 70 मिलियन में कितने जीरोज आते हैं, ना. इजीली हम लिख सकते हैं कि ये 70 मिलियन प्लेस पे हमने 70 लिख लिया. ठीक है, देन आती है 100,000 प्लेस 0 लिख लिया, 1,000 प्लेस 0, 0, और ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया. ओके, वेरी सिंपल ना. अब आप लोग सी डी और ई खुद करेंगे. ठीक है, और कल हम आपको इसके आंसर्स भी फिर भेजेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इट्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड दिस ब्लैंक्स आई हैव रिटन हियर. मैंने यहाँ लिख के रख दी है ब्लैंक्स, और अगर आप ओरली से फिल कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो देखिए कैसे करना है. फर्स्ट है 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी लैक. फर्स्ट वी विल राइट 1 मिलियन, द नंबर 1 मिलियन. हाउ विल वी राइट? 1, देन दिस एंड दिस इज द नंबर 1 मिलियन. ठीक है, देख लो, नहीं तो कैसे ये नंबर 1 मिलियन है. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000 और ये है मिलियन. ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. ठीक, अब इसे हमें लिखना है लैक में, कितने लैक्स होते हैं ये देखना है. इसे हम करेंगे पहले इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार, हम इसमें कॉमास पुट करेंगे. ठीक, ये हो गया और ये हो गया, तो कितना, अब इसे रीड करो, क्या है ये? 10 लैक्स. तो हमें पूछा वही है कि 1 मिलियन इक्वल्स टू, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 10 लैक. ओके, ये हो गया यहाँ आंसर. ठीक, नाउ द सेकेंड वन वी विल सी, 10 करोड़. ओके, फर्स्ट वी विल राइट 10 करोड़. ओके, 10 करोड़ प्लेस पे हो गया, देन ये लैक प्लेस, देन ये 1,000 प्लेस और ये 1 का पीरियड. ये लिख लिया हमने 10 करोड़. नाउ हाउ मेनी मिलियन पूछा है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, जो हमारी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसके अनुसार हम कॉमास लगाएंगे इसमें. ठीक, ये हमने कॉमास लगा दिया, तो क्या मिल गया हमें? ये 100 मिलियन. तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा? 100 आ जाएगा. ठीक, इसके बाद सी देखिए, 50 लैक्स और मिलियन पूछी है. ठीक, यहाँ लिखो 50 लैक्स, ये लिख लिया हमने 50 लैक्स, देन ये 1,000 और 100. ठीक, 1 प्लेस हो गई. अब इसे किसमें लिखना है? मिलियन में. तो पहले इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार इसमें कॉमास लगा लो. ठीक, अब इसका आंसर क्या आ गया? 5 मिलियन. तो यहाँ क्या पुट करेंगे हम? 5. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इज 50 करोड़. देन वी विल राइट फर्स्ट हियर 50 करोड़. राइट हियर 50 करोड़. करोड़ प्लेस पे 50 लिख लिया, ये लैक प्लेस, 1,000 प्लेस, देन 1 पीरियड. ये हमने लिख लिया 50 करोड़. सिंपल है ना लिखना? ठीक, आ गया सभी लोगों को लिखते. अब इसको क्या करना है? मिलियन में. तो अब हम इसे पहले फिर से इसमें देंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार कॉमा. कितने मिलियन हो गए हैं? 500. तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 500. देन 5 करोड़. करोड़ की प्लेस पे 5 लिख लिया, ये लैक की प्लेस आएगी, उसके बाद 1,000 की आएगी और उसके बाद ये 1 का पीरियड आएगा. ये लिख लिया हमने 5 करोड़. अब इसको किस में करना है? मिलियन में. ओरली कर सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है. कितने लोग हैं जो ओरली कर सकते हैं? वो ओरली करें. ठीक है, और ये हमने दे दिया इसमें कॉमास. अब आंसर क्या आ गया हमारा? 5 करोड़ इक्वल्स टू कितने मिलियंस हो गए? 50 मिलियंस. अब नेक्स्ट वन क्या है? लास्ट वन, 5 मिलियन. लिखो यहाँ 5 मिलियन, मिलियन प्लस पे 5 लिख लिया, ये हो गया
थाउजेंड का पीरियड और ये हो गया वंस का पीरियड। अब हमें क्या करना है, इन्हें लैक में कन्वर्ट करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार कॉमास लगा लेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्या मिल गया, 50 लाख। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 लाख। इस प्रकार हमने ये ब्लैंक फिलअप करी है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों, आप अपना रफ वर्क रफ कॉपी में करेंगे या तो फिर कॉपी के बैक पेज पे करेंगे, ठीक है। यहाँ मेरे पास प्लेस नहीं है इसलिए मैंने यही रफ का बॉक्स बनाकर यहाँ रफ वर्क किया है। ओके बेटा।